असुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निकर है आपके ने। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे, मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असुद्दीन ओवैसी से, यह मैम किसका पार्टी है? अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संगी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते हम पर।